नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व नेता कृपा शंकर सिंह अपने परिवार के साथ बांद्रा में वोट करने पहुंचे। साथ ही लोगों से अपील किए इस लोकतंत्र के त्योहार में ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले और अपने मन पसंद पार्टी को चुने। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। ये लोकतंत्र के इस पर्व में सब लोग सहभागी होना चाहिए, सभी लोग घर से निकल कर मतदान करना चाहिए। मुझे लगता है कि मतदान करने के समय लोगों को विचार करना चाहिए कि हम एक उचित व्यक्ति, एक उचित विचारधारा की पार्टी को अपना मतदान कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में 5 साल हमारे महाराष्ट्र का भविष्य, हमारे क्षेत्र का भविष्य क्या होगा, इसलिए लोगों को निकल करके मतदान करना चाहिए। कुछ नहीं, अभी मतदान आज हो जाएगा, 24 तारीख नतीजे आ जाएंगे, नतीजे के बाद फिर सोचूंगा मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं लिया किस राजनीतिक पार्टी से हमारी शुरुआत करनी है। इस दौरान आप लगातार पार्टी छोड़ने के बाद लोगों से मिलते रहे, नाम प्रचार यहाँ वहाँ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी बात को कहता था और मेरी बात को जो समर्थन दे रहे थे और लगता है कि मतदान के रूप में समर्थन देंगे। अभी भी जो घरों में बैठे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि वोट करें क्या ना करें, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? मेरा इतना ही कहना है कि घर से बाहर निकलें, मतदान करें, इससे बड़ा त्यौहार लोकतंत्र का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मतदान करोगे तभी आप अपना भविष्य, क्षेत्र का भविष्य, देश का भविष्य तय कर पाओगे। अगर मतदान नहीं करोगे तो कभी निर्णय नहीं दे पाओगे, तो कल 5 साल तुमको पछताना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि लोग घर से बाहर निकलें और मतदान करें। जैसे कि महाराष्ट्र की जो व्यवस्था है, इसको देखते हुए अगर नई सरकार आती है, जो भी मुख्यमंत्री आते हैं, के लिए क्या अपना कार्य करना चाहिए कि जो यहाँ से ट्रैफिक है, सड़क ऊपर पड़ती है, ये तो सब पार्टियां ने अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ है और जो विश्वास दिया है, जो मतलब मैनिफेस्टो दिया है, उसी के आधार पर पार्टी को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए।